सहबा, आपका न्यूज़ क्लिक में स्वागत है। हम ऐसे समय बात कर रहे हैं जिस समय आपकी ज़िंदगी में बहुत ज़बरदस्त उतार चढ़ाव का दौर चल रहा है। आपके साथ ही गौतम नौलखा जेल में हैं, वे तिहाड़ में थे और अचानक ही उनको ले जाया गया मुंबई। मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि कुछ दर्शकों को ये पता चले कि ये जो अचानक हो रहा है, हालांकि 2 साल से तकरीबन गौतम को भीमा कोरेगांव, हाँ, भीमा कोरेगांव केस के साथ जोड़ा जा रहा था, ये जो सारी चीज़ें हुई हैं और ख़ास तौर से भीमा कोरेगांव केस को जिस तरह से एक विस्तार दिया गया, वो आप कैसे देखती हैं? जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हमें पता था, बहुत शॉक लगा था उस वक्त कि ये कैसे अचानक हो गया, क्योंकि सुनते आते थे गौतम पर बड़ा सर्वेलेंस चलता है, जैसे कि बहुत दूसरे साथियों पर भी। हमको पता था कि पिछले कई साल से, जब से बीजेपी सरकार के बाद ख़ास तौर पे सर्वेलेंस बढ़ गया था काफ़ी, लेकिन इट केम एज अ शॉक कि इनके नाम भी इसमें जोड़ दिए गए। एंड सिंस देन इट्स बीन अ लॉन्ग बैटल। और कई लोगों का कहना था, सुधा और बाकी लोग गिरफ्तार हुए, कि ये लोग कभी सीधे सीधे जो भीमा कोरेगांव का एक कॉन्स्टिट्यूशनल मूवमेंट भी चल रहा था या जो होता था उसमें भी उनकी कभी फिजिकल शिरकत नहीं रही, लेकिन तब भी उनको बिल्कुल नहीं, क्योंकि जो डेट्स दिए जा रहे हैं मुझे अच्छी तरह याद है, गौतम और मैं हैदराबाद में थे उस वक्त, दैट होल दिसंबर न्यू ईयर्स, उसके बाद हम अपने दोस्तों के पास थे, हम लौटे दिल्ली कुछ 4 या 5 तारीख जनवरी की, सो वी वर नॉट इवन हियर। तो इसीलिए मैंने सोचा कि ये कैसे इनका नाम आ गया, और जब आए यहाँ पर अरेस्ट करने, FIR में भी नाम नहीं था गौतम, सो इट वाज एडेड मच लेटर। तो एक इन्होंने एक मॉडल, अब लगता है जैसे हम देखते हैं इतने सारे और अरेस्ट हो रहे हैं और UAPA इतनी आराम से थोपा जा रहा है जैसे कि मामूली सा कोई एक्ट हो, दिस इज़ अ वेरी डेंजरस थिंग दैट्स हैपनिंग। तो अब तो लगता है कि एक इन्होंने बना लिया है भीमा कोरेगांव वाली चीज़ कि आप केस बिल्ड कीजिए, अगर है भी नहीं तो आपको किसी तरह इंक्रिमिनेटिंग एविडेंस चाहिए, आपको केस बिल्ड करना है, जैसे वो केस बिल्ड करेंगे हम अपनी फाइट आगे बढ़ाएंगे, और क्या कर सकते हैं। एक चीज़ और गौतम के बारे में जो बहुत ख़ास है, बहुत निर्भीक, बहुत ही डेयरिंग आवाज़ रहे प्रोटेस्ट के, रेजिस्टेंस के, और तमाम गिरफ्तारियों के बारे में उनकी, और कश्मीर में जो पूरा एक स्टेट का रोल रहा, लेकिन पूरी जो उनका सारी आवाज़ थी, सारी रिपोर्ट्स थी, और कई बार ऐसा देख के लगता है कि जिन चीज़ों के खिलाफ वो इतना बोलते रहे तकरीबन वही चीज़ें जो है दैट इज़ द आयरनी एक्चुअली स्पीकिंग, दैट इज़ इट, बिकॉज जैसे मैं गौतम को जानती हूँ, एकदम निडर, और ये ऐसे बंदे नहीं हैं कि आपके मुंह पर कुछ कहा और पीछे कुछ और, ऐसे नहीं था, ही एक्चुअली स्पोक हिज माइंड विद कन्विक्शन ऑलवेज, एंड ही रोट सिमिलरली। कश्मीर में तो जिस तरह उन्होंने काम किया शुरू से, यू नो, बिफोर मिलिटेंसी बिगैन, उससे पहले, लेकिन सिंस देन ही इज़ बीन एंगेज्ड इन कश्मीर, एंड येस ही इज़ मेट पोलिटिकल लीडर्स एंड एनी बडी कैन, ही इज़ अ सिविल लिबर्टीज पर्सन। तो ये आपका डेमोक्रेटिक राइट है कि यू कैन मीट पोलिटिकल लीडर्स, वेदर दे आर सेपरेटिस और नॉट, वेदर यू अग्री विद देम, बट यू डू लाइक टू मीट दैम टू अंडरस्टैंड वॉट दिस मूवमेंट इज अबाउट, एंड ही डिड इट, एंड मोस्ट ऑफ हिज राइटिंग ऑन कश्मीर, इफ यू सी you'll really get a picture of what the conflict is about there. So he did very deep political analysis also. But we didn't know, kai baar hume ye bhi kaha gaya ki Kashmir pe bhi aap logon par nazar rakhi hai. Ek baar jab hum trekking ke liye apna sara saman lekar Kashmir pahunche to airport se hume wapas bhej diya with a notice ki Gautam Nawlakha andar aayenge to peace and chala jayega, pura unrest ho jayega political, so don't allow him to enter. Hum 8 ghante वहाँ बैठे रहे, नोबडी वॉज कन्विंस्ड, हमने बताया ये देखिए ट्रैकिंग का सामान लेकर आए हैं, हम सीधे जा रहे हैं कल के कल, नहीं जाने दिया हमें अंदर। दैट वॉज वन ओकेजन व्हेन वी रियलाइज दैट एक्चुअली सर्वेलेंस इज प्रिटी सीरियस एंड द थ्रेट इज ऑलवेज देयर दैट यू कैन बी रिटर्न इफ़ यू डिफाई, व्हाट डू यू डू। सो हमें वहाँ रखा पुलिस में, वहाँ भी हमें लॉक लगा कर गन लेकर एक बंदा खड़ा रहा कि हम भाग जाएंगे क्या, तो ये भी हुआ हमारे साथ। सो आई न्यू, बट ये हमने नहीं सोचा था कि इतना बड़ा केस इनके ऊपर डालेंगे जिसके पूरी ज़िंदगी पलट गई है हमारी, कहीं हम आ नहीं जा सकते हैं, कहीं ट्रैवल नहीं कर पाते हैं, एंड ही जस्ट हैड अ ग्रैंड चाइल्ड, ही वुड हैव लव्ड टू गो देयर, पर पासपोर्ट आपने सरेंडर करने को बोल दिया, वो भी दे दिया इन्होंने।
So it's terrible, I think. And they are building a case. मतलब कुछ है नहीं एविडेंस कईयों के उसमें है नहीं और हम कुछ बोल नहीं सकते. आप ढूंढते रहिए, आप इनक्रिमिनेटिंग जो भी आपको लगता है ले जाइए, बट मोस्ट ऑफ इट इज़ इन पब्लिक डोमेन. मैनी ऑफ इट दैट गौतम के अगर आप पेपर्स देखें भी जी. या और गौतम की जो प्रमुख राइटिंग्स हैं बोलना लिखना वो भीमा कोरेगांव से इतर है. भीमा कोरेगांव के वो स्पोक्स पर्सन या पर उनकी राइटिंग या जो पूरा मूवमेंट था उसमें उनका, क्योंकि जो भी गौतम मानते थे वो लिखते थे या वो बोलते थे, तो भीमा कोरेगांव से तो उनका डायरेक्ट कनेक्ट आपको क्या लगता है कि क्या था ही नहीं कुछ भी. ही डिडंट हैव दैट एंड आई डोंट रिमेंबर सीइंग हिम एक्चुअली रिसर्चिंग ऑन दैट होल दलित दैट मूवमेंट जिसको लेकर के हर बार ये होता है एनिवर्सरी वगैरह. वी डिडंट टॉक मच अबाउट इट. वी डिडंट. इट्स ओनली व्हेन दिस होल थिंग बिगैन ऑफ भीमा कोरेगांव और उन दोनों जो उसमें इंस्टिगेटेड भी थे शुरू में, जिसने वायलेंस हुआ था, जो भी उनके नाम है भीड़े और व्हाटएवर, उनको तो एक गिरफ्तार किया भी और छोड़ भी दिया. लेकिन हाउ डू दे थिंक कि ये 9 बंदे 10 बंदे 11 बंदे हैं जो इन्होंने इंस्टिगेट किया और इन्होंने वायलेंस किया. गौतम अपनी ज़िंदगी में ही इज़ नॉट रियली बिलीव्ड इन दैट. उनकी पूरी किताब में आप पढ़िए, देयर इज़ अ क्रिटिक ऑफ माओइस्ट वायलेंस आल्सो. सो इट्स नॉट एज दो ही इज़ आउट देयर टू. और मुझे सबसे ज़्यादा हैरत यही होती है, तेल टुमरे अपना कास्ट के ऊपर पढ़ा भी रहे हैं, MIT में हैं, सीधे साधे बंदे हैं, गौतम क्या कर रहे थे. उनको म्यूज़िक बहुत पसंद है, हम म्यूज़िक सुनते थे, मैं अपनी किताब लिखती थी, वो अपना पढ़ते लिखते थे, पोइट्री हम पढ़ते थे. ऐसा बंदा आपको लगता है कि किसी को, इट्स नॉट लाइक दैट. सो वी वर वेरी टेकन अबैक, लेकिन नाउ वी नो कि अब ये कर दिया है तो झेलना भी है और लड़ना भी है. दैट अबाउट, दैट्स व्हाट आई वुड से. कुछ हम आपसे जानना चाहेंगे कि अभी जो केस है, जिस तरह से गौतम को अचानक वो दिल्ली से तिहाड़ जेल से निकाल के ले गए, क्या स्थिति है गौतम की और कैसे आप देख रही हैं? गौतम की स्थिति को लेकर मैं ये कहूँगी कि अभी अभी हमें 2 दिन पहले पता चला कि वो कौन से क्वारंटीन सेंटर में हैं, जो तलोजा में ही है और NIA ने शायद या जेल अथॉरिटीज़ ने खोला है. वो 14 दिन का क्वारंटीन उनके लिए था और कोविड टेस्ट के लिए भी उनका किया गया और वो रिजल्ट का वेट कर रहे हैं अभी, इंतज़ार. तो अगर वो नेगेटिव हो तो 2-3 दिन में उनको तलोजा जेल में होना चाहिए और तब जाकर शायद उनका फ़ोन आए. जब वो तिहाड़ में थे तो हर हफ्ते मेरे पास उनका ज़रूर ही फ़ोन आता था, तो एक तसल्ली थी कि बात तो होगी और उन्हीं के ज़रिए पता चलता था कि वो कैसे हैं, क्या सहूलतें हैं, क्या नहीं मिल रहा है. तो वो एक आराम भी था. और 22 जून तक उनको यहाँ रहने की जुडिशियल कस्टडी थी और धीरे धीरे अब उन्हें समझ में भी आ रहा था तिहाड़ में. उनको अपना एक सेपरेट सेल दिया गया था क्योंकि एज सेंसिटिव हैं. पहले वो 3 और बंदों के साथ शेयर कर रहे थे सेल, तो अब जाकर उनको वो मिला. और वो बड़ी खुशी से ये भी बता रहे थे कि मुझे एक कुर्सी मिली है, मुझे एक बिस्तर मिला है. तो हम दोनों बहुत ही उस दिन खुश हुए और थोड़ा ऐसे लगा कि मैं भी शायद आराम से सो पाऊँ, क्योंकि वो थोड़े कंफर्टेबल हो गए. क्योंकि नींद को लेके एक सवाल तो रहता ही है, क्योंकि उलझन बढ़ जाती है बहुत. और उस दिन हमारी बात हुई और उसके बाद अचानक हमें फ़ोन आया. मतलब ये मैं आपको बात कर रही हूँ 24 तारीख या 23 तारीख जब उनकी हियरिंग का भी था. और उनका फ़ोन आया, कहा कि ऑलरेडी शिफ्ट कर दिया है मुझे. ही साउंडेड वेरी रिलीव्ड एंड सो डिड आई. ही वाज साइग्ह ऑफ रिलीफ. और फिर 26 को 1 बजे के आसपास गौतम का फ़ोन आया. उससे पहले उनकी लॉयर का आया कि साहबा, हम सुन रहे हैं कि गौतम को अचानक शिफ्ट कर दिया गया है बॉम्बे. एंड शी सेड लेट मी कन्फर्म. बस मैंने फ़ोन रखा और गौतम का फ़ोन आया और उन्होंने मुझे बताया कि साहबा, मुझे इतनी दूर ले आए हैं बॉम्बे, तो अब तुम सबसे लॉयर भी वहाँ, हर चीज़. और अचानक उन्होंने ये किया और ये भी कहा गौतम ने कि कल मुझे बस 5 मिनट मिले, सेल आए और मुझे ले गए और फिर स्टेशन और पूरी रात का सफ़र ट्रेन में. और सुबह वो लोग पहुँचे और सीधे स्टेशन से उनको मैजिस्ट्रेट NIA कोर्ट ले गया. तो वहाँ जाके उन्होंने रिक्वेस्ट की और मिल गई वो उनको
एक मौका मिला कि मुझे फ़ोन करें, और तब उन्होंने हमें ये सब बताया। और ये भी कि इतनी अचानक और इस कदर रश में ये सब किया गया कि उनको खुद समझ में नहीं आ रहा था ये क्या हो रहा है। और ये भी पता था उन्हें कि अगले दिन कोर्ट में उनकी बेल हियरिंग होनी है। और फिर ब्लड प्रेशर का बताया कि पहली बार गौतम को कभी इतने बरसों में मैंने ब्लड प्रेशर की दवाई लेते नहीं देखा है, और क्योंकि था भी नहीं ये प्रॉब्लम। NIA कस्टडी में एक बार हुआ जबकि बहुत हाई हो गया था, फिर अब जाकर तो 200 के ऊपर चढ़ गया था। सो ही एक्सप्रेस्ड अ लॉट ऑफ कंसर्न एंड ही ऑल्सो सेड कि मेरी सारी मेडिकल फाइल्स जो हैं वो तो तिहार सुपरिंटेंडेंट के पास हैं, जब ये ले जा रहे हैं मुझे हमारी सहूलत के लिए, सेफ्टी के लिए, वो कम से कम फाइल्स तो उठा लेते हैं वहाँ से। अब लॉयर्स को उन्होंने कहा है इट्स अ वेरी अर्जेंट मैटर विदाउट एनी मेडिकल रिकॉर्ड्स, हाउ इज़ ही गोइंग टू गो थ्रू दिस होल थिंग, ही हैज़ टू हैव देम। सो दिस इज़ द लेटेस्ट एंड आई मस्ट से कि मुझे इस कदर धक्का लगा उनके लॉयर्स को और मुझे कि मैं आपको बयान भी नहीं कर सकती। मतलब दिल दहल गया और दिमाग हमारा बिल्कुल, क्योंकि समझ में नहीं आ रहा था ऐसे कैसे किया जा सकता है, इट्स नॉट लीगल। एंड आई वाज थिंकिंग कि माय गॉश ये तो अबडक्शन जैसे लग रहा मुझे, कि किसी को बताए बिना अगर वो फ़ोन नहीं करते हमें पता कैसे चलता है अनटिल द नेक्स्ट डे। So this is a message also, we have the impunity, we can get away with it, we can do anything in our power. So ek ye dil dehlane wali cheez hai, aur legally they are the ones who are subverting the legal procedure, not us. Gautam has been cooperative shuru se, wo khud jaakar surrender kiye hain, main saath thi unke, aur throughout interrogation he's been cooperative, jail mein unhone koi aisa, so aapko itna kya dar tha सुन लेते हियरिंग, एंड हाउ कैन यू नॉट इन्फॉर्म द लॉयर्स, द फैमिली, द कोर्ट्स। आपको क्या लगता है कि अगले दिन ही रिकॉर्डिंग थी, सुनवाई थी यहाँ पर, क्या उससे डर के लेके गए, क्योंकि दिल्ली हाई कोर्ट ने भी जवाब तलब किया है? बिल्कुल, और नहीं, और सोचने वाली बात है, और क्या वजह हो सकती है? या तो आप घबरा गए कि कल के दिन पता नहीं क्या होगा, कि इनको इस कोर्ट के ज्यूरिसडिक्शन से ही हटा दिया जाए विदाउट, एंड वाई नॉट इन्फॉर्म। अगर आप मुझे बताते फैमिली को और लॉयर्स को, क्या उन्हें डर था कि हम इनको, जब कहा गया था पहले ही कि किसी दिन हम उनको शिफ्ट करने वाले हैं, वी ऑल न्यू दैट सम डे ही विल बी ट्रांसफर टू बॉम्बे, लेकिन ये तो कोई बात ही नहीं हुई कि जब आपका 22 जून तक दिल्ली में तिहाड़ जेल में और आपकी जुडिशियल कस्टडी एक्सटेंड की गई है, उसके बावजूद आप ये करते हैं कि आपको बॉम्बे से प्रोडक्शन वारंट मिला। अब जज ने सही कहा है कि आप हमें प्रोडक्शन वारंट दिखाइए, आप यहाँ का ट्रांजिट रिमांड दिखाइए, आप हमें जवाब दीजिए कि आपने किसी को बताए बगैर इस कदर तेज़ी से और इस कदर अचानक उनको ले गए, तो कुछ तो इसमें वजह होगी। हम समझना चाहते हैं, जज साहब समझना चाहते हैं, तो वी हैव टू वेट टिल द थर्ड। They got the time. I hope they produce everything to show us. We are not saying he was always going to be in Delhi. हमें पता था flights भी शुरू हुए, आप तो पहले इतना risk, उनको train पूरी रात का सफ़र, जब हम बार बार कह रहे हैं कि उन एज सेंसिटिव हैं, सब जगह कोविड फैला और महाराष्ट्र इज एन epicenter, इस दौरान आप उनको ये risk expose करते हैं, what can you say? यह बताएं कि गौतम को भीमा कोरेगांव मामले में गिरफ्तार किया गया है, बहुत लंबे समय से ये खतरा उनके ऊपर था, ये बातचीत चल रही थी कि कभी भी गिरफ्तार हो सकते हैं, बाकी और लोग जो सुधा भारद्वाज और बाकी और लोग अरेस्ट हुए, वहाँ पर भी जो लोग बाहर स्ट्रगल कर रहे हैं उनको बहुत मुश्किल हो रही है कुछ भी हासिल करने की, बेल तक नहीं मिल पा रही है। कैसे आप ये जो पूरी जर्नी है भीमा कोरेगांव से लेकर अब तक, खास तौर से गौतम के संदर्भ में, कैसे देखती हैं आप इसे? हाँ, मैं ये बहुत, ये सवाल ऐसा है क्योंकि इट टेक्स मी बैक एक्चुअली व्हेन द फर्स्ट लॉट वर अरेस्टेड। मैं मुल्क में नहीं थी उस वक्त, कहीं बाहर थी, और मैंने जब देखा जून में जो 5 लोग अरेस्ट हुए थे, एंड आई वाज वंडरिंग कि ये अचानक ऐसे कैसे हो गया, और ये बिल्कुल मैंने सोचा भी नहीं था कि ये हमारे घर तक भी पहुंचेगी बात, और 5 लोग उठाए जाएंगे, एंड नॉट जस्ट देम, सो मैनी अरेस्ट हैव बीन मेड सिंस देन। तो जब हम उसी साल 2018 को
गौतम और मैं गए थे ब्राज़ील और चिली, और बहुत ही उनकी बेटी को भी मिलकर आए, कॉन्फ्रेंस अटेंड की और हम लौटे। और मैं आपको इतना बताऊं कि जब भी हम मुल्क से बाहर निकलें तो उनके पासपोर्ट, मैं तो 2 मिनट में निकलती थी, लेकिन हमेशा जांच कुछ ज़्यादा ही होती थी। और 18-19 तारीख को हम लौटे चिली से, 19 August 2018 हम लौटे। और फिर मैं तो निकल गए इमिग्रेशन से, उन्होंने कहा तुम आगे चलो, मैं आकर मिलता हूँ, विल टेक द लगेज एंड गो। सो आई वेंट, इट टुक हिम 22 मिनट्स टू कम आउट, एंड ही टोल्ड मी दैट हिज पासपोर्ट वेंट फ्रॉम हैंड टू हैंड एंड देयर वर लॉट ऑफ डिस्कशंस, फाइनली ही केम आउट। And we had no idea. We knew that maybe there is some kind of surveillance, because we knew there is surveillance in the country all around. जो 2014 से चल रहा है, हमें पता था कुछ ना कुछ हो रहा है। लेकिन 28 की सुबह, मुझे अभी तक याद है, ऐसे ही जिक्र किया गौतम ने कि मैं सुन रहा हूँ कुछ सर्वेलेंस वगैरह। तो मैंने कहा ये तो मैं कई साल से सुन रही हूँ, कश्मीर आते जाते हैं तब हम ये सुनते हैं, आप बाहर जाकर आते हो तब भी हम ये सुनते हैं, सो मे बी देर इज़, बट वी हैव टू लिव आर लाइव्स। तो ये हमारी रात को बात हुई, और सुबह 7:30-8:15 हम चाय पी रहे थे ऊपर, आपने देखा मेज पे, और सडनली घंटी बजी और देखा तो ये महाराष्ट्र कॉप्स आ गए थे। तब तक हमें ये बिल्कुल नहीं पता था कि गौतम हैज़ बीन इंक्लूडेड इन द भीमा कोरेगांव, द अदर वंस ऑफ देम। और उनके पास जो FIR लेकर आए थे उसमें उनका नाम भी नहीं था। लेकिन फिर अब वो टू बिल्ड द केस दे बिगैन दिस होल थिंग, हमारे घर रेड भी हुआ, बहुत कुछ उठा कर ले गए यहाँ से। सो इट केम एज अ ह्यूज शॉक बोथ टू मी एंड टू गौतम। And lo and behold, then we heard it was, जब मैंने वो उनके साथ एक वुमेन ऑफिसर थी और बहुत थकी हुई लग रही थी जब रेड हो रहा था मेरे घर, तो मैंने उनसे पूछा आप तो बहुत थकी लग रही हैं, क्या बात है? तो उन्होंने कहा 5वां रेड, और हम रात के 1 बजे से घर घर जहाँ से इनको उठाना है गए हैं, और इसीलिए मैं थकी हुई हूँ। दिस वर हर वर्ड्स एक्चुअली, एंड आई वॉज सो शॉक्ड। आई डिडंट नो देन कि उसी दौरान सुधा के पास और फिर द अदर 5 ऑफ देम इंक्लूडिंग गौतम, एंड दिस इज़ व्हाट हैपेंड, एंड वी वर शॉक्ड। और इनको अरेस्ट भी किया, सीधे ले गए मैजिस्ट्रेट के पास, वहाँ से रिमांड भी लिया। लेकिन बाय देन द लॉयर्स वर क्विक इनफ टू अप्रोच द दिल्ली हाई कोर्ट, एंड दे गेव द एंटायर डिटेल, हैबियस कॉर्पस भी हुआ। फिर गौतम को बुलाया गया, एंड द नेक्स्ट डे यू नो सुप्रीम कोर्ट वॉज हियरिंग अ पिटिशन फाइल बाय वेरी वेल नोन हिस्टोरियंस एंड पीपल इन पब्लिक लाइफ। तो वो पिटिशन सुना जा रहा था, और उसी दौरान दिल्ली हाई कोर्ट में गौतम का भी केस सामने आया और उनको रिहा किया गया, ये कहकर के इट डजेंट मेक सेंस टू अरेस्ट हिम एंड टेक हिम अवे फ्रॉम बॉम्बे। फिर सुप्रीम कोर्ट का उसके बाद आया कि हाउस अरेस्ट, then I got to know it's Gautam and it's Sudha and the other 3, so all 5 of them, Varvara Rao and Gonzalez and Arun, ye 5 ko inhone tha, and I kept asking Gautam, Gautam ne bhi mujhe kaha ki ye achanak mera naam kaise isme aa gaya, ya Teltumbre ka naam kaise aa gaya, aur kisi ka bhi for that matter, all 5 of them, and he knew, everybody knew each other some way or the other. And this is when it began to unfold. और हमें 2 साल अब होने आ रहे हैं, सुधा वगैरह के तो 2 साल पूरे हो जाएंगे जून में, और उनके भी अगस्त अक्टूबर में सुधा वगैरह के, और पहले 5 जो अंदर गए, इट्स मोर देन 2 ईयर्स नाउ। सो वी नो एट वन लेवल, जब आप UAPA लगाते हैं किसी के ऊपर और अंदर जेल भेजते हैं, इट्स गोइंग टू बी अ लॉन्ग बैटल, ये हम जानते हैं। और जो जिस तरह ये हुआ कि तेलतुंबड़े और गौतम, द लॉयर्स फॉट एंड दे स्टेड आउटसाइड फॉर 20 मंथ्स, ये हमें पता था कि एक ना एक दिन अरेस्ट होना ही है, कब होगा ये हमें पता नहीं था। देन थिंग्स बिगैन टू, और भाषा ये मैं ज़रूर बताऊँ आपको, यू कैन नॉट इमेजिन जो उतार चढ़ाव हमारी ज़िंदगी में हुआ है फॉर एवरी डेट। कभी जजेस रेक्यूज कर रहे हैं, ये लाइफ एंड लिबर्टी का सवाल है, बट देन इट रियली डिपेंड्स ऑन द जुडिशरी, वेदर इट्स द सेशन कोर्ट, द हाई कोर्ट, और कितना भगाया।
आप सेशन कोर्ट से शुरू करके सुप्रीम कोर्ट तक आओ, फिर सुप्रीम कोर्ट आपको वापस भेजता है, फिर आप पूरा चक्कर काट के वापस आओ जब जजेस राजी नहीं हैं, और इस तरह का टेंशन, इट टुक अ टोल। लेकिन फिर भी हम अपना काम करते रहे, मेरी किताब भी पब्लिश हुई, गौतम ने हर हफ्ते कुछ छापा है, वो बस ये था कि हम ट्रैवल नहीं कर पाए कहीं भी। और फिर ये दिन आया कि जब उनको सरेंडर का ऑर्डर मिला, जबकि कोविड इतना फैला था, लॉकडाउन है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट आया, दैट वॉज सो टर्स एंड इट रेज नॉट अ पॉइंट आइदर अबाउट कोविड, ये तेलतुंबड़े और गौतम की उम्र जो अंदर बैठे हैं, जिनके 2 साल होने वाले हैं, बाकी सारे उनका कोई जिक्र नहीं। और ये हमें बार बार कहा जा रहा है कि जेल्स हमें डी कंजेस्ट करने हैं, बिकॉज सुप्रीम कोर्ट गेव दैट ऑर्डर, और एक तरफ आप डिकंजेस्ट कीजिए, वो भी बहुत धीरे धीरे, और दूसरी तरफ आप इन लोगों को अंदर भेजिए। नॉट जस्ट देम, इफ़ यू सी भाषा द नंबर ऑफ अरेस्ट दैट हैव टेकन प्लेस इन द लास्ट फ्यू मंथ्स, एक प्रेग्नेंट लड़की है सफूरा, आप बिल्कुल उसको UAPA में भेज दिया, वहाँ कश्मीर में 4 लोगों को, यहाँ पिंजरा तोड़ की 2 लड़कियों को, और हर एक को UAPA ऐसे लगाया जा रहा है दैट इट्स अ वेरी कॉमन लिटल एक्ट, वेर इज इट्स द मोस्ट डेंजरस थिंग एंड इट कैन डिस्ट्रॉय नॉट ओनली द वंस हू हैव गॉन इन, द पीपल, द नियर एंड डियर वंस, हमारी सबकी ज़िंदगी ऊपर नीचे कर देते हैं। पर अभी तक वॉट इट मीन्स रियली फॉर फैमिलीज टू कंटिन्यू टू वर्क एंड बी होपफुल एंड पॉजिटिव, इट्स अ डेली चैलेंज। वो चाहे सुधा की बेटी हो, वरवर राव को हस्पताल तब्दील किया, वहाँ ले जाकर रखें, नो लॉयर वॉज इन्फॉर्म्ड, नो फैमिली वॉज इन्फॉर्म्ड, इज दिस द वे टू डील? मैं तो ह्यूमन कंपैशन की तो बात ही नहीं करूँगी, बिकॉज दे आर नॉट केपेबल ऑफ इट, वेदर इट्स INA और वेर एवर। देर आर सम रेज ऑफ होप, जैसे दिल्ली हाई कोर्ट में अभी रेज हुआ है, विच इज़ सब जूडिस, बट आई एम रियली पॉजिटिव अबाउट इट कि आपको कम अज़ कम जवाब दीजिए आप हमें, वी नीड टू नो, एक्चुअली इट्स आर राइट टू नो वाई यू डिड इट, एंड डज इट मीन कि आप कुछ भी कर लीजिए और हम बैठे रहे ऐसे? ये लंबी लड़ाई है, लॉयर्स के लिए बहुत लंबी है, गौतम और जितने उनके साथी अंदर हैं, बस ये गौतम ने जैसे कहा, और मैं भी सोचती हूँ, बस एक अच्छी बात है जो ये कि गौतम अब दूसरे साथियों के साथ हैं, अभी अब तक वो अकेले तिहार में थे, बाकी सारे वहाँ बैठे थे, तो मुझे भी लगता था, और गौतम ने मुझे कहा भी था कि वन डे आई विल बी विद ऑल ऑफ देम एंड दैट इज़ द डे व्हेन आई फील really good, but not in the manner they took him. They could have done it and we were all prepared, you know, and it's good for all 9 of them there and 2 of them in Baikala prison, the women. Aur aap dekhiye wahan par, yahan tihar se Gautam mujhe har hafte phone kar rahe the. Maine suna hai Sudha ko 2 mahine ho gaye apni beti se baat kiye, Shoma ko 1.5 mahina laga apni beti se baat kiye, अपील पे अपील हो रही है, सुधा का बेल रिजेक्ट, वरवर राव जो अस्पताल में है उनका बेल आप रिजेक्ट करते हो, व्हाट डज इट मीन? UAPA आपने यूज़ तो कर दिया, अब हमें बताइए आगे कैसे चलेगा ये, क्या अंदर ही सब बैठे रहेंगे? ये थोड़ा बताइए कि इसमें जो एक जेंडर लेंस है, आप गौतम की पार्टनर हैं, लंबे समय से साथ में हैं, बाकी उधर सुधा की बेटी हैं, आनंद तेलतुंबड़े की पत्नी हैं, तमाम लोग वसंता है, ये कैसे आप इस स्ट्रगल को देखती हैं? नहीं, मैं इस तरह देखती हूँ, जो गौतम ने कहा था, यहीं बैठकर एक इंटरव्यू किया गया था UAPA पर, तो उन्होंने ये एक बहुत बड़ा मुद्दा ये भी रखा था कि देखिए, किसी पर तो आपने एक्ट लगा दिया और उनको भेज दिया जेल, अंदर डाल दिए, जो भी है वो एक स्ट्रगल है, लेकिन आप ये भी सोचिए कि जो घर वाले हैं, जो फैमिली हैं, बच्चे हैं, उनके ऊपर इसका क्या असर पड़ता है, एंड द ड्रैगनेट स्प्रेड सो फार कि हर एक इसकी लपेट में आ जाते हैं, चाहे आप उसको स्ट्रगल की बात कीजिए। अब सुधा की बेटी 22-23 साल की है, मेरी तो अब ये उम्र है, लेकिन मैं गौतम के साथ 25 साल, मेरी बेटियां दोनों बाहर रहती हैं और मेरे ग्रैंड चिल्ड्रन बाहर रहते हैं, गौतम के दोनों बच्चे बाहर रहते हैं, तो हम दोनों थे, और कई घर ऐसे हैं जब जैसे सुधा की बेटी अकेली है, बड़ी दुख की बात है ये कि कोई साथ है उनके लेकिन एक छोटी लड़की झेल रही है, वहाँ पर रमा है, उनकी बेटियाँ दोनों बाहर हैं,
यही मैं कह रही हूँ कि कोई घर में है कि बच्चे हैं, जैसे अरुण हो या गोंजाल्वेज हो, उनका सागर बेटा, सो यू नो देर इज़ अ स्ट्रगल दैट द होल फैमिली एंटर्स हियर. आई फील आई हैव लिव्ड इन दिल्ली बादशाह, दिस जून विल बी 50 इयर्स. आई हैव लिव्ड इन दिल्ली फॉर 50 इयर्स, ऑफ विच 25 इयर्स वर विद गौतम. तो दिल्ली शहर जैसे गौतम को उठा कर ले गए, सबसे पहले मुझे ख्याल आया दिल्ली खाली हो गया. दिल तो हुआ लेकिन दिल्ली खाली हो गया मेरे लिए, ये कैसे उठा कर ले गए, बिकॉज वी लिव्ड एंड शेयर सो मच हियर, यू नो. एंड एज अ वुमन ऑल्सो आई फील आई वॉन्ट से वल्नरेबल इन दैट सेंस, बट आई हैव टू लर्न टू लिव अलोन विदाउट गौतम, विच इज़ गोइंग टू बी अ बिग चैलेंज फॉर मी. नॉट बिकॉज I'm vulnerable in different ways, but yes, I am to some extent. You know, कई बार हम गाड़ी में निकल जाते हैं, अगर वो गाड़ी चला रहे हैं तो मैं देखती भी नहीं हूँ कि भाई कौन सा रास्ता हमने लिया है. That is how it works. So for me to even begin to do that, दोस्तों से मिलना हो आप, I miss him insanely. तो मुझे लगता है मेरे लिए एक तरफ तो केस है और सारे 11 लोग हैं उसमें और उनकी फैमिलीज जुड़ी हैं, तो मैं साथ ही साथ में हम लड़ेंगे, ये मैं जानती हूँ. और जब लॉकडाउन उठे तो हो सकता है कि हम सब मिल भी पाएँ कभी. यू नो आई वुड लव टू स्पेंड टाइम विद सुधाज डॉटर. आई कैन इमेजिन इफ आई एम फीलिंग लाइक दिस एट माई एज फॉर अ यंग गर्ल, द ट्रॉमा, मतलब दे डोंट थिंक अबाउट इट एट ऑल. आई कैन डील विद इट इन सम वेज, बट यू कैन नॉट एक्सपेक्ट अ यंग पर्सन लाइक दैट हु स्टडीइंग टू ऑल्सो डील विद इट एंड येट कंटिन्यू विद हर स्टडीज, यू नो. So it's going to be a big struggle and hopefully, ये तो हमें पता है कि भाई हम ये लड़ाई लड़ेंगे और ये भी उम्मीद है, एकदम उम्मीद है कि जीतेंगे भी. ये लंबी लड़ाई लगती है, कैसे आप देख रही हैं इसको, कैसे आप तैयार हैं इसके लिए? ये कहना बहुत मुश्किल है. एक चीज़ बहुत ही साफ है, वो ये कि इट्स अ लीगल बैटल एट वन लेवल. वो लॉयर्स भी देखेंगे, जजेस भी समझेंगे, जनता भी जानने की कोशिश करेगी, इट्स एट दैट लेवल. लेकिन जब मैं सोचती हूँ इसके बारे में, जो 20 महीने पिछले हमने काटे हैं बिफोर गौतम सरेंडर, यू जस्ट हैव टू टेक अ डे एज इट कम्स. हम ज़्यादा प्लानिंग कर ही नहीं सकते. तो मुझे लगता है एक तो वो होगा लीगल बैटल, दूसरा है कैंपेन्स. ऑलरेडी बहुत लोग इसमें शामिल हैं. बीच में ये हुआ था कि इतने दूसरे अरेस्ट और सारा कुछ हो रहा है, तो भीमा कोरेगांव का मामला थोड़ा सा दब गया था, लेकिन अब फिर उभर रही है बात, क्योंकि और भी सिर्फ अब ये भीमा कोरेगांव से हटके भी और एक मॉडल इस्तेमाल किया जा रहा है, UAPA लगाओ अंदर करो. सो आई थिंक इट्स हैविंग दैट काइंड ऑफ एन इम्पैक्ट विच इज़ वेरी वेरी डेंजरस. कल के दिन किसको उठाएं किसी को पता नहीं है. द अदर इज़ या लाइक आई सेड, कैंपेन होंगे, लोग बातचीत करेंगे, पर्चे बट रहे हैं, पोस्टर हो रहे हैं. अब तो लॉकडाउन है तो कोई निकल नहीं सकता है, वरना ज़रूर होगा, कैंपेन भी होगा. और एक पर्सनल स्ट्रगल है, जैसे मैंने आपको बताया, मुझे एवरी डे ये मुझे लगता है कि मुझे और भी अपने आप को संभालना है बेहतर, और अलर्ट, कभी कंप्लेसेंट नहीं होना है आपको. यू हैव टू बी वेरी अलर्ट फॉर टुमारो, फॉर टुडे. कब क्या होता है ये हमें नहीं पता. दिस आई हैव नॉट सीन इन माई लाइफ. मैंने इमरजेंसी देखी है एंड आई रिमेंबर हाउ इट ऑल्सो केम टू बी अ पर्सनल मैटर एट सम लेवल, बट मैंने ये कभी नहीं देखा भाषा. दिस इज really the hatred, the fear that they're spreading and making people feel helpless. कि भाई हम कुछ नहीं कर सकते. आप गौतम को उठा कर ले गए, आप कल के दिन कुछ भी कर सकते हो. आप किसी को बताए बगैर वरवरा राव को अस्पताल आधी रात को ले जाते हो. मतलब what do you expect? तो मेरे लिए तो it's a daily battle and it's a long battle. So this is how I look at it. Mm-hmm.